फिर ये देख लिया कि इसका रूट हमने कैसे निकाला, एक मैंने मेथड बता दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आइए एक और मेथड की बात करते हैं, इसका जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य ये इंडियन मैथमेटिशियन ही थे, इन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या है इनका फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक चीज डी निकालना है, डी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, ये बी क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट हिंदी में ही लिख लो, एक्स का कोफिशियंट। ये ए क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये ए जो है ना ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। कोफिशियंट क्या होता है? कोफिशियंट हिंदी में आप सिंपल समझ लो, कोफिशियंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक मींस आप ये कह लो गुना का जो अंक होगा, गुना में जो अंक होगा। जैसे अगर मान लो यहां पर मैंने कहा 7x, तो आप कहोगे कि ये जो 7 है ना ये मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, तो एक्स का गुणांक क्या हुआ, एक्स का गुणांक ये 7 हुआ। x के साथ गुना में कौन सा अंक है, आप कहोगे कि 7, तो 7 इज द कोफिशियंट ऑफ x। अगर यहां पर मैं पूछूं x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर x स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसका जो कोफिशियंट है ना ये कोफिशियंट है हमारा 1, तो यहां जो 1 है ये x स्क्वायर का कोफिशियंट है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमें ये पता चला कि a इज 1, b इज 7 और c जो है जो कांस्टेंट है जो 12 का 12 है, इसके साथ x y z या कोई भी वेरिएबल इसके साथ सिंबल नहीं रहेगा। तो a इज व्हाट, आप कहोगे a इज कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। और C क्या है, तो आप कहोगे कि C इज कांस्टेंट। तो कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे उसमें आपको ये तीन चीज जरूर मिलेगी, x का कोफिशिएंट दिया रहेगा, a दिया रहेगा x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में है, और C जो कांस्टेंट में है। जैसे इस इक्वेशन की मैं बात कर लूं तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन में एक तो मैंने मेथड समझ लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मैं इसको बीच वाले को ब्रेक कर लूं, नहीं तो मैं सबसे पहले d निकालूंगा, ये d डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो यहां पर b जो भी है b आपको होगे कि सर ये है मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4a, a है हमारा 1 और c है हमारा 12, तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 48, तो 49 में से 48 माइनस होगा, तो आप कहोगे d की वैल्यू मुझे 1 आई। अगर आपने d फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक बार आपको दो जो भी x का वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार x की वैल्यू, एक बार ये फॉर्मूला एज इट इज ध्यान में रख लेना है, ये फॉर्मूला माइनस में b, एक बार x की वैल्यू के साथ ये रूट अंडर d लिख दो अपॉन में 2a लिख दो, और एक x की और वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, मींस इसके दो जीरोज होंगे, अगर ये क्यूबिक होता तो तीन जीरोज होंगे, पावर चार रहे तो चार जीरोज होंगे, पावर एक है तो एक जीरोज होगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे दो जीरोज निकालना होगा। तो x का एक और वैल्यू होगा, उसमें क्या करना है, ये जो d आपने इधर प्लस किया ना, इस बार आपको d माइनस कर लेनी है, रूट अंडर d अपॉन में 2a। अब आप इस सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, तो यहां से x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में b, तो आप कहोगे कि सर b मेरा कितना है 7, तो माइनस में 7, प्लस में रूट अंडर d, तो d का वैल्यू कितना आया 1, तो रूट अंडर 1, तो आप कहोगे रूट अंडर 1 तो 1 ही होता है, अपॉन में 2 इंटू में a, a कितना है मेरा यहाँ पर, a है आप कहोगे 1, तो 2 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 7 प्लस 1, तो आप कहोगे माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहोगे कि सर x की एक वैल्यू मुझे मिल गई, वो भी माइनस में 3। x की एक और वैल्यू होगी, x जो भी b है ना माइनस में b, तो आप कहोगे कि सर माइनस में 7 रूट अंडर d, तो d का वैल्यू कितना 1, तो माइनस में 1 अपॉन में 2,
इनटू में 1, तो आप कहोगे कि सर x की एक और वैल्यू मुझे मिल गई, वो हो गई क्या माइनस में 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर x की कोई भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। यहां से आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए आपके लिए ये d निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हमें d से पता चल जाता है। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन का वैल्यू, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, इस इक्वेशन के रियल रूट हैं कि नहीं, इस इक्वेशन में दोनों के दोनों जीरो जो होंगे वो बराबर होगा या क्या होगा, इसके बारे में आपको यहां से आइडिया लगता है। देखिए अब आपको तीन कंडीशन समझनी है। केस फर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डी है ना, ये डी का वैल्यू जीरो हो जाए। मीन्स आप कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन में x के दोनों वैल्यू सेम होंगे। मीन्स आप जो दोनों के दोनों जो रूट आएगा, दोनों का दोनों जीरो जो होगा वो सेम होगा। तो आप कहोगे कि सर दोनों के जो दोनों जीरो जो होंगे वो सेम होंगे, सेम जीरो। ये पहला कंडीशन समझ में आया। तो इस यहां से एक चीज और मुझे पता चला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac। यहां से आप अगर निकालना चाहते हो तो बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 4ac। तो आपको रूट से बाहर 2 आ जाएगा, तो रूट अंडर 2ac। ये बी इक्वल टू 2√ac। एक कंडीशन ये समझ में आया। एक कंडीशन और आपको समझना है। देखिए अब इस डी का केस फर्स्ट हो गया, आपको केस टू समझना है। आपको केस टू यहां पर समझ लीजिए। केस टू, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा मतलब 1, 2, 3 प्लस में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आप कहोगे इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन के दोनों रूट x के 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे। मीन्स 2 डिफरेंट रूट इज पॉसिबल, दोनों के दोनों डिफरेंट रूट, 2 डिफरेंट रूट, 2 डिफरेंट रूट मिलेगा। केस थर्ड, अगर आपको केस थर्ड लिख लीजिए। केस थर्ड, इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो से कम आ जाए, मींस नेगेटिव में आ जाए, जैसे अगर ये माइनस में 1 हो जाता इस इक्वेशन के लिए, तो आप कहोगे कि सर इसके रियल रूट पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जाऊं उसके बारे में जब आप हायर स्टडी करोगे तो वहां पे जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर सब में पढ़ोगे आप। अभी आप कहोगे कि सर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे जीरो से छोटे होते हैं। तो आप कहोगे कि अगर डी का वैल्यू मेरा नेगेटिव में आ जाए, तो आप कहोगे कि सर देयर इज नो रियल रूट्स, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको कर लेने की कोशिश करते हैं और आपको बता देता हूं मैं कि आप कैसे रूट निकालोगे। देखिए आपने ये तीनों केस नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं कोई भी इक्वेशन आपको देता हूं और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि इसका रूट कितना होगा, आप मुझे बताइए, या रूट पॉसिबल है कि नहीं वो मुझे बताइए। चलो आपसे मैंने पूछा 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा, तो आप मुझे बताओ इसका रूट आप निकाल सकते हो। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले मैं इसके बारे में पता कर लूंगा, डी निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो है मेरा ए, एक्स के साथ जो नंबर है मेरा बी है, और ये जो नंबर है वो मेरा सी है। डी निकालना क्या कहता है, आप कहोगे कि सर इसके लिए मुझे बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालना पड़ेगा। मीन्स आप कहोगे कि सर यहां से बी कितना है मेरा, 3 का स्क्वायर। आप कहोगे कि सर 3² माइनस में 4a, a है मेरा 2 और c है मेरा 5, तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा 9 और माइनस में 40। तो आप कहोगे कि सर ये तो हुआ मेरा माइनस में 31। आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन के रूट में कभी भी फाइंड नहीं कर सकता, इस इक्वेशन के रूट किसी भी मेथड से, ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ना किसी भी मेथड से मैं इस इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकता। चलिए एक और इक्वेशन के एक और, यहीं से मुझे पता चल गया, जैसे ही मैंने देखा कि डी का वैल्यू मेरा माइनस में आया, अब इस इक्वेशन को आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन के रूट मैं फाइंड ही नहीं कर सकता। दूसरा कोई क्वेश्चन लेकर के मैं देखता हूं। चलिए एक इक्वेशन ले लिया जाए, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7,
आप कहोगे कि सर यहां से बताओ डी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर डी तो होता है माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो मीन्स यहाँ पर b मेरा है ये a, सॉरी ये है मेरा b और ये है मेरा a, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, ये है मेरा 1 सॉरी a और ये है मेरा c, तो b कितना है मेरा माइनस में 2, तो आप कहोगे माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a मेरा है 1 और c है मेरा 7, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस में 28 और प्लस में 4, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4, आप कहोगे माइनस में 28। यहां से भी आपने देखा कि सर ये भी मेरा नेगेटिव आया, तो इस इक्वेशन के भी मैं रूट नहीं निकाल सकता, इस इक्वेशन के भी मैं रूट नहीं निकाल सकता। चलिए तो अब मैं आपसे एक और चीज देता हूं कि अगर आप रूट निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 4, आप मुझे बताओ क्या इसका इक्वेशन निकाला जा सकता है, रूट निकाला जा सकता है। आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो मुझे डी निकालनी है, डी क्या होता है बी स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस में 4ac, ए कितना है मेरा 1 और इंटू में 4, तो 1 इंटू में 4 दैट मीन्स आपने कहा 4 या 16, तो आप कहोगे कि सर डी का वैल्यू 20 आया, डी का वैल्यू कितना आया 20, दैट मीन्स इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, आप कहोगे दो अलग अलग जीरो आएगा, दो अलग जीरो आएगा। कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि सर एक्स का वैल्यू मैं निकालूंगा एक बार मैं माइनस में बी प्लस में रूट डी अपॉन में 2a लिख लूंगा, और एक बार x का वैल्यू मैं माइनस में b माइनस में रूट डी रखूंगा और अपॉन में 2a रखूंगा। तो अब आपको पता है d मुझे रूट में चाहिए, तो रूट अंडर 20 को मैं रूट के अंदर 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, और 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 2√5, तो इसको मैं रूट 20 को 2√5 भी लिख सकता हूँ, इतनी बात आपको पता है। तो यहां से अब देखो x इज इक्वल टू आप कहोगे माइनस में b, दैट मीन्स 6 ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में रूट अंडर 20 अपॉन में 2a, तो 2 कितना है a कितना है यहाँ पर 1, तो इंटू में यहाँ सॉरी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, तो आप कहोगे 6 माइनस में रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से x की वैल्यू मुझे पॉसिबल हो गई 6 प्लस में 2√5 अपॉन में 2, और एक वैल्यू हो गई x की मेरी 6 माइनस में 2√5 अपॉन में 2। आप एक काम कर सकते हो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सब में से 2 कॉमन ले लो, तो यहां से आपने सब में से 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर में बच गया 3 3 और यहां पर बच गया √5 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट गया। यहां से अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो x इक्वल टू होगा 2 कॉमन ले लिया 3 माइनस में √5 अपॉन में 2, तो यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो आपने कहा सर इस इक्वेशन के x के 2 वैल्यू पॉसिबल हुए, x इक्वल टू हुआ 3 प्लस में √5 और एक वैल्यू हुआ x इक्वल टू 3 माइनस में √5, दीज आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपको रूट आसानी से पता चल गया कि हाँ सर इस इक्वेशन का रूट मुझे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। कैसे पता चला, तो मैंने कहा कि सर आपको सबसे पहले d निकालनी है और किस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, किस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना ये भी मैंने बता दिया कि अगर d का वैल्यू 0 से छोटा दैट मीन्स नेगेटिव आ जाए तो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उस इक्वेशन में कुछ नहीं करोगे। अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो दोनों के दोनों रूट बराबर होंगे, मींस आप ऑप्शन से भी देख करके अगर कहीं पर d आपको 0 दिख रहा है तो आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए दैट मींस प्लस में आ जाए तो आप कहोगे कि सर मुझे इस इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे और उसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा उसके बारे में मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आपको देखते ही पता चल गया कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो एक स्टूडेंट आप कई तरीके से कर सकते हो इसको, अभी मैंने जो 2 मेथड समझाया एक बार मैं उस तरीके से समझा देता हूं। आप कहोगे कि सर मेरा काम होगा कि सबसे पहले ये जो मिडिल टर्म x ये जो है ना 6x इसको मैं स्प्लिट कर दूं, तो आप कहोगे कैसे स्प्लिट कर दूं, क्या मैं इसको 3x प्लस 3x लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 4x प्लस 2x लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 10x माइनस 4x लिख सकता हूं, मींस आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको मिडिल वाले को ब्रेक कर लेनी है। तो किस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो मैंने आपको समझाया कि ये लास्ट वाला नंबर और ये जो फर्स्ट वाला नंबर यहां जो नंबर रहेगा आप कहोगे यहां पर कुछ नहीं है 1 है,
तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। जैसे 5 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मन में मैंने सोच लिया 5 1 जा 5। अब इस 5 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढो, मतलब किसी 5 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। तो आप कहोगे कि सर 6 को 5 का ऐसा दो फैक्टर 5 और 1 ही है, 5 में 1 मैं ऐड करूंगा तो 6 होगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 होगा। दैट मींस मुझे पता चल गया कि इस 6x को सर मैं 5x प्लस में 1x लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो x प्लस 5x या 5x प्लस x, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कुछ भी पहले लिख सकते हो। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से, मान लो इन दोनों का मैंने पेयर बनाया, इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख गया, तो आप कहोगे कि सर x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 5, x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन है, 1 तो सभी चीज में कॉमन होता है। आप कहोगे सर ये 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, x प्लस 5 यानी ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में x प्लस 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 5 इनटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही वाली बात, मैंने कहा कि तब डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक 0 है, कोई तो बोलेगा नहीं कि मैं 0 हूं। तो अब आपको क्या करना है कि नहीं, इन दोनों को मैं मतलब बारी बारी से दोनों को 0 करूंगा, मीन्स एक बार एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे माइनस में 5 आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस में 1 आ गई, तो मीन्स मुझे एक्स का वैल्यू -5 -1। तो जैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा तो आप ऑप्शन बी टिक कर लोगे, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मेथड जो अभी हमने पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, जिसके मेथड से हम लोग सीखेंगे। आप कहोगे कि सर एक तो मैं तरीका ये कर सकता हूँ, एक मैं यहाँ पर डी निकालूंगा, इस इक्वेशन का मैं डी निकालूंगा यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो जो मेरा बी दिया है ना, इसका मैं स्क्वायर कर लूंगा, और जो मेरा ए दिया है और जो मेरा सी दिया है, इस ए को और सी को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट मीन्स बी स्क्वायर में से -4ac माइनस कर लेनी है। यहां से डी इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आप कहोगे 36 माइनस में 4, ए कितना है मेरा, ए है मेरा 1 और सी है मेरा 5, तो 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 यहाँ चलेगा। तो आप कहोगे ये हो जाएगा कितना, 4 5 जाए 20 माइनस 36 में से 20 माइनस करोगे तो आप कहोगे कि सर डी का वैल्यू मुझे 16 आया। अब आप आसानी से एक्स निकाल लो, एक बार आप कहोगे कि सर एक बार एक्स निकालने के लिए मैं माइनस में बी प्लस में रूट डी अपॉन में 2a लिखूंगा, और एक बार x निकालने के लिए मैं माइनस में b माइनस में रूट अंडर d अपॉन में 2a लिखूंगा। बिल्कुल क्लियर है, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b, b मेरा माइनस में 6, यहां से रूट d, d का वैल्यू रूट अंडर 16, तो रूट अंडर 16 हो जाएगा। आप कहोगे कि रूट अंडर 16 मीन्स 4, तो रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 अपॉन में 2a, a मेरा क्या है यहाँ पर 2, तो -6 प्लस 4, आप कहोगे -6 प्लस 4 ये तो होता है 2, ये कितना होता है 2, -2 अपॉन में 2, आप कहोगे x का वैल्यू माइनस में 1 आया। यहां से x का वैल्यू आप कहोगे माइनस में b, b कितना है आपका 6, तो माइनस में 6, और रूट अंडर d, d को जब रूट करोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो होगा माइनस में 4 अपॉन में 2, आप कहोगे कि ये हो जाएगा माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आपको पता चल गया कि सर माइनस में 5 हुआ। तो आपने दोनों तरीके से देखा कि सर ये क्या हो रहा है, मेरा माइनस में हो रहा है। चलिए अब हम लोग एक और इसी पर मैं एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपना एक ऑप्शन वाला मेथड समझा देता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब मैं आपको सबसे पहले आप कहोगे कि सर मैं इसको डी निकाल लूंगा, मान लो मैंने पहला मेथड जो आपको डी समझाया, दूसरा मेथड डी, तो ये आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बी स्क्वायर में से 4ac माइनस कर लूंगा, बी क्या है मेरा, बी क्या है मेरा माइनस में 8, तो माइनस में 8 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए क्या है मेरा 1, सी क्या है मेरा 16, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस में 64। आपने देखा कि सर यहाँ पर d का वैल्यू 0 आ गया, और अब अगर d का वैल्यू 0 है तो x का दोनों वैल्यू सेम होगा, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो कि सर x इज इक्वल टू होगा माइनस में b प्लस में रूट अंडर d अपॉन में 2a, और एक वैल्यू होगा
माइनस में बी माइनस में रूट अंडर डी अपॉन में टू ए, तो मीन्स एक एक्स की वैल्यू हो गई माइनस में बी मतलब माइनस माइनस प्लस एट प्लस में रूट डी, रूट डी, डी का वैल्यू तो जीरो है तो रूट अंडर जीरो जीरो। तो आपको होगा कि सर ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू में टू डिवाइडेड बाई टू इंटू ए मतलब ए का वैल्यू वन, तो यहाँ से कट के एक्स का वैल्यू फोर, यहाँ से भी माइनस में बी मीन्स माइनस माइनस प्लस ए जीरो, रूट में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टू। तो आपने कहा सर यहाँ से भी x की दोनों वैल्यू मुझे, यहाँ से x की वैल्यू फोर, यहाँ से भी x की वैल्यू फोर, मीन्स आपको पता चल गया इस इक्वेशन का रूट फोर और फोर हुआ, दैट मीन्स ये दोनों इसके वैल्यू हो गए।